वेलकम करते हैं दोस्तों आज की नई वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा के निकाह की अफवाहें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, वहां पर ही कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स और एक्टर्स ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा ने खुफिया निकाह कर लिया है। दोस्तों उनके फैंस ये बात उनके मुँह से ही जानना चाहते थे कि क्या ये बात वाकया सच है या झूठ। दोस्तों बिलाल अब्बास ने सारी हकीकत बता दी। दोस्तों बिलाल अब्बास ने ड्रामा इश्क मुर्शिद खत्म होने के बाद एक इंटरव्यू में शिरकत की। वहां पर बिलाल अब्बास से उनकी और दुर्रे फिशा की शादी के बारे में पूछा गया तो बिलाल अब्बास ने कहा कि मैंने देखा है कि बड़े बड़े अदाकार बोल रहे हैं कि बिलाल अब्बास और दुर्रे फिशा ने शादी कर ली है, जबकि हम दोनों में से किसी ने भी किसी को भी नहीं बताया कि हमारी शादी हुई है या नहीं। दोस्तों बिलाल अब्बास ने कहा कि इश्क मुर्शिद ड्रामा इतना ज्यादा वायरल हुआ कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए और मजबूरन मुझे और दुर्रे फिशा सलीम को एक होना ही पड़ा और हम दोनों ने फैसला किया कि हमने वैसे भी शादी तो करनी ही है, क्यों ना हम अभी ही कर लें। दोस्तों बिलाल अब्बास ने कहा कि मैंने और दुर्रे फिशा सलीम ने अपनी फैमिली की मौजूदगी में निकाह कर लिया है जबकि अभी रुखसती होनी है। दोस्तों बिलाल अब्बास ने कहा कि जिन्होंने हमें एक साथ इतना ज्यादा पसंद किया उनका शुक्रिया। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।